हेलो वेलकम टू एलविन आर्ट चैनल। तो अब हम इस सेटिंग को ब्लेंड करने के लिए यूज करेंगे मेकअप ब्रश का। यहाँ पर डार्क एरियाज को ड्रॉ करने के लिए मैंने स्टेडलर की एक भी पेंसिल का यूज किया है। अगर आप कोई और कंपनी का पेंसिल यूज कर रहे हो तो आप 10BB यूज कर सकते हैं। Get away with it.
अब यहाँ पर मैंने बेबी की उंगलियाँ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। बेबीज़ की उंगलियाँ ड्रॉ करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि छोटे बेबीज़ के हैंड और उंगलियाँ दोनों थोड़े स्मूथ होते हैं, तो आपको उन्हें ज़्यादा रफ नहीं बनाना है। तो जो आप क्रॉस हैचिंग से जो टेक्सचर देते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ब्रश अच्छे से यूज़ करना है और अच्छे से ब्लेंड करके उसे स्मूथ करना है। अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। यहाँ पर मैंने हैंड का जो बाकी का सेटिंग है वो क्रॉस हैचिंग मेथड से ही किया हुआ है। आप भी जब हैंड बनाओ, फिंगर्स बनाओ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रॉस हैचिंग मेथड से ही आप सेटिंग करो, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स भी ऐड नहीं करना पड़ेगा और आपका जो टेक्सचर है वो इजीली आ जाएगा।
अब हम यहाँ पर जितना भी शेडिंग हमने किया है उसे मेकअप ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर डार्क शेडो को ड्रॉ करने के लिए मैंने डार्क पेंसिल का यूज किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही ड्राइंग्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब यहाँ पर हमने फिंगर्स पे ड्रॉ कर लिए हैं, तो अब हम बेबीज के हैंड में शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। बेबी के हैंड में शेडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा स्मूथ शेडिंग करना है। अब यहाँ पर शेडिंग को और एनहांस करने के लिए हमने 4B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे हैंड बनाओ तो आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करना है। जब आप लेयर बाय लेयर शेडिंग करोगे तो आपको इस बात का अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा पार्ट डार्क आने वाला है और कहाँ पर कौन सा पार्ट लाइट आने वाला है। अब यहाँ पर मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड ड्रॉ करने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैंड्स की जो आउटलाइंस है वहाँ पर बैकग्राउंड के लिए एबी पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे और फिर चारकोल पाउडर की मदद से पूरे बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेंगे। अगर आपको मेरा यह ड्राइंग पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है वो है हाउ टू ड्रॉ मेपल लीव विथ वाटर कलर, तो उस वीडियो को आप देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हो और अगर आपको लिप्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो हमारा जो वीडियो है हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक लिप्स वो अभी आई बटन में पॉपअप हो गया आ रहा होगा, तो उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि लिप्स कैसे बनाते हैं।
अब यहाँ पर हमारा ड्राइंग खत्म हो चुका है, तो अब हम सिग्नेचर करके इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में।